नमस्कार। आदरणीय सभापति महोदय, श्री के उमेश, कमांडेंट 51 बटालियन, प्रभारी अधिकारी सुधीर कुमार, सेकंड इन कमांड 51 बटालियन, श्रीमती पावना उमेश, बाबा अध्यक्षा, मेरे विद्यालय के सभी सहकर्मी, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सत सत नमन करती हूँ। हमें आज़ादी कितनी कठिनाई से मिली है और कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें हिस्सा लिया, आप सब बहुत बार सुन चुके हैं और जान भी चुके हैं। इन सब में से मैं एक शख्सियत जिनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ, वे हैं मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक ऐसे शख्सियत हैं जिनकी दृढ़ प्रतिज्ञा और दृढ़ता के आगे अंग्रेज भी झुक गए, जिन्होंने अपना शस्त्र के रूप में सत्य और अहिंसा को चुना। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया था। बच्चों, आज की स्थिति बहुत ही आसान है। आज हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जिस समय में गांधी जी ने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, वह समय बहुत ही कठिन था, वह दौर बहुत ही कठिन था। ना ही यातायात की व्यवस्था थी और ना ही किसी प्रकार की कंप्यूटर, टीवी, समाचार पत्र इतने कुछ भी नहीं थे। अतः उस समय लोगों को एकता के सूत्र में बांधना बहुत ही कठिन था, लेकिन उन्होंने यह कार्य कर दिखाया और अंत में ही वो दम लिए जब देश को आजादी मिल गई। अर्थात उनसे हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह हम दृढ़ प्रतिज्ञा होकर हम किसी काम को अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बहुत बार उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन इन सब चीज़ों से वो कभी विचलित नहीं हुए, बल्कि और अधिक दृढ़ता के साथ वो आगे बढ़ते रहे। तो अतः बच्चों, आपसे मैं यही आशा करूंगी कि आप इनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने भी जीवन पथ पर हर बाधाओं को तोड़ते हुए, हर बाधाओं को पछाड़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। और दूसरी बात आपको यह बताना चाहती हूं कि आज हमें अंग्रेजों जैसे शत्रु नहीं मिल रहे, उन सब के लिए हमारे 3 तरह के सेना है, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, साथ ही साथ बहुत सारे अर्धसैनिक बल हैं, सीमा सुरक्षा बल है, ये सभी कार्य कर रहे हैं और अपने देश को सुरक्षित रख रहे हैं और हम भी इस स्वतंत्र हवा में आसानी से सांस ले पा रहे हैं। लेकिन आज का वह समय है जिसमें हम सभी को अपने आप की बुराइयों से निजात पाना है, अपने आप पर विजय पानी है, क्योंकि हमारा देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, धन धान्य से भरपूर था और विदेशों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारे देश में लोग आया करते थे। ना तो कोई गरीब था, ना ही चोरी डकैती जैसे कारनामे होते थे, सब बहुत शांत और बहुत अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आज मनुष्य
अपने आप पर ध्यान कम देता है, बाहरी चीजों पर अधिक देता है। कहने का अर्थ हुआ कि हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां घर करती जा रही है, क्रोध, द्वेष, हिंसा, जलन, इन सब चीजों से निजात पाना है, इन सब चीजों पर विजय पाना है। और यह केवल तभी मिल सकती है जब हम अध्यात्म का मार्ग अपनाएं। मैं सभी अभिभावकों से यह कहना चाहूंगी कि वे स्वयं भी अध्यात्म की ओर मुड़े, जितना भी वक्त मिले अपने ईश्वर की, जिस भी ईश्वर की आप आराधना करते हैं उस ईश्वर की आराधना करें, और अपने बच्चों को भी सिखाएं, ग्रंथों का अध्ययन करने की प्रेरणा भी अपने बच्चों को दे, ताकि वह हमारे जो प्राचीन काल के महान पुरुष थे, उन सबसे महान लोग थे, उन सबसे प्रेरणा लेकर अपने आप पर वो विजय पा सके, अपने आप अपने अंदर की कमियों को दूर कर सके और एक स्वस्थ जीवन जिए। वह डिप्रेशन या फिर एंजाइटी, इन सब चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि आज बच्चे या बड़े भी इन सब चीज़ों से ग्रसित हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए अध्यात्म ही एक रास्ता है जिसे आप सबको अपनाना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। आप सभी मेडिटेशन कीजिए, आप सभी अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और बच्चों को भी प्रेरित कीजिए कि इन सब चीज़ों में वो रुचि लें, और रुचि लेते हुए अपने आप को स्वस्थ रखें। खुद अगर स्वस्थ रहेंगे तो उनके साथ साथ उनका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा और आसपास और समाज भी स्वस्थ रहेगा। सही मायने में आज के समय में यही आज़ादी होगी, और इन सब चीज़ों से निजात पाकर ही वह एक स्वस्थ समाज की रचना कर सकेगा। तो मैं आप सबको पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की, 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और आशा करती हूँ कि मेरी बातों पर आप सभी गौर करेंगे। धन्यवाद।